IPL 13th match, Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, both teams playing 11 and my predictions for the match. सबसे पहले आया था दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 के ऊपर. ओपनिंग करेगी डेविड वार्नर के साथ मिचेल मार्श, तीन नंबर पे आएंगे रिकी भुई या पृथ्वी शॉ में से एक, चार नंबर पे आएंगे कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, पांच पे आएंगे ट्रिस्टन स्टब्स, छह पे आएंगे सुमित कुमार, सात पे आएंगे अक्षर पटेल, आठ पे आएंगे कुलदीप यादव, नौ पे आएंगे एनरिक नौरकिया, दस पे आएंगे मुकेश कुमार और ग्यारह पे आएंगे खलील अहमद. इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभिषेक पोरेल. अब आ जाते हैं दोस्तों सीएसके की प्लेइंग 11 के ऊपर. ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन के साथ रचिन रविंद्र, तीन नंबर पे आएंगे अजिंक्य रहाणे, चार नंबर पे आएंगे शिवम दुबे, पांच नंबर पे आएंगे डेरियल मिचेल, छह पे आएंगे समीर रिजवी, सात पे आएंगे रविंद्र जडेजा, आठ पे आएंगे विकेट कीपर बल्लेबाज एम एस धोनी, नौ पे आएंगे दीपक चहर, दस पे आएंगे तुषार देशपांडे और ग्यारह पे आएंगे मुस्तफिजुर रहमान. इम्पैक्ट प्लेयर हो जाएंगे सीएसके के लिए मथिसा पतिराना. दोस्तों अब आ जाते प्रेडिक्शंस के ऊपर डीसी वर्सेस सीएसके के मैच के लिए. जो भी टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग का फैसला लेगी. दीपक चहर 1+ विकेट्स ले सकते हैं. ऋतुराज गायकवाड़ और डेविड वार्नर के हाफ सेंचुरी मारने के चांसेस ज्यादा है और दोस्तों मेरे ख्याल से सीएसके मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पोजीशन पे बनी रहेगी. दोस्तों अब आ जाते वेदर अपडेट के ऊपर डीसी वर्सेस सीएसके के मैच के लिए. 0% चांस ऑफ रेन है तो आपको पूरा 20-20 ओवर का गेम देखने को मिलेगा.